देखिए, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार के प्लेटफार्म से हम सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट के और कल के इजलास की हम इस चीज़ के इंतजार हैं। उनकी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे हाथ में लग जाए, हम इससे बलूचिस्तान हाईकोर्ट में लेके चैलेंज करें। आज हम बलूचिस्तान के एक नामवर शख्सियत, बलूचिस्तान के एक अहम फिगर नवाबजादा लश्करी खान रहसानी को यहाँ पे बलूचिस्तान बार कौंसिल के ऑफिस में यहाँ पे आए। उन्होंने बलूचिस्तान बार कौंसिल की हिमायत, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिमायत की, उसकी तायद की। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के महरूमों के खिलाफ, बलूचिस्तान के वसाइल की जो लूटमार है, बलूचिस्तान के जो रिकॉर्ड है, इस पर तमाम सियासी पार्टियाँ, इस पर वकला, इस पर सहाफ़ी, इस पर आवाम सब मुतफ़िक हैं। और हम इस जहाँ पर भी ज्यादती होगा, हम इससे सुप्रीम कोर्ट में, बलूचिस्तान हाईकोर्ट में से चैलेंज करेंगे। अच्छा, राज साहब आप भी बताएं, जी साहब आप भी बताएं, आप लोगों को क्या लगता है खुफिया मुआहिदा क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? हम समझते हैं कि ये जो कल का बलूचिस्तान के जो खुफिया मुआहिदा उस वक्त हो चुका था जब ये बलूचिस्तान के इस वज़ीर आला को यहाँ पे रातों रात हटा के उसको लाया गया था। हम समझते हैं जाम में और कुदूस में कोई फ़र्क नहीं है, जाम भी उसी बाप का है, कुदूस भी उसी बाप के है, वहाँ से निकले हुए दोनों एक ही सर्कल के हैं। लेकिन उसको हटाने का मकसद ये था कि एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा था, और ये मुआहिदा हम उस वक्त भी, हमें खदशा था कि रातों रात जाम को क्यों हटाया जा रहा है। तो कुदूस को लाने का मकसद ये था कि वो बलूचिस्तान की रेकोडेक का सौदा कर ले। मेरे ख्याल में उन्होंने इसकी सौदा कर लिया है, लेकिन उसको एक मुजाहमत का सामना है बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से, वकला की तरफ से। आज का जो स्ट्राइक ने आज हमारे बलूचिस्तान बार कौंसिल के और बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो इस बात पर परेशान है कि हम क्या करें। लेकिन हम ये तहिया करते हैं बलूचिस्तान के बार कौंसिल, आप मीडिया के सामने, नवाबजादा लश्करी रहसानी के सामने, हम ये अहद करते हैं कि बलूचिस्तान की हकूक के लिए हम एक इंच भी पीछे नहीं। थैंक यू सर। बाकी सियासी पार्टी किसी ने रब्ता किया आपसे नवाबजादा लश्करी रहसानी के अलावा? देखें, बलूचिस्तान के नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जाल मोहम्मद बुलेदी का फ़ोन आया था, उसने अप्रिशिएट किया, और नवाबजादा लश्करी रहसानी खुद यहाँ पर चल के आए। तो हम समझते हैं कि ये एक खुशाइंद अमल है। आज पूरे बलूचिस्तान भर में अदालती कार्रवाई का बायकॉट भी हो रहा है।